If you are new to the world of investing and trading, though you will frequently hear words like market order or limit order. What do they mean? और क्या इनके बीच में कोई difference है? Let's explore. Actually, जब आप market में trade करते हो, तो आपके trades buy orders हो सकते हैं या फिर sell orders. Trade के through आप securities exchange करते हैं, right? Suppose you want to buy 100 shares of a company from an exchange at its current price. आप cash लेकर exchange तक जाते हो. But by then, the price has gone up. You can either buy the shares at the new price or you can go back home. आपके purchase करने के process में prices change हो गए. Now you are confused. What to do? You say कि आज तो सभी लोग mobile phones पर trading करते हैं. फिर purchase करने के process में price difference कहां से आएगा? Mobiles के through trades place करने में आपकी buy या sell request multiple servers के through travel करके finally exchange पर convey की जाती है. इस प्रोसेस में जो लैग होता है उस लैग में एग्जिस्टिंग ट्रेड ऑर्डर्स प्रोसेस होने पर शेयर की प्राइसेस में चेंज आ सकता है. सो विल यू बाय द शेयर्स एट द न्यू प्राइस या फिर आप प्राइसेस ड्रॉप होने के लिए वेट करोगे? मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर्स आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट हाउ. मार्केट ऑर्डर बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो एक्सचेंज पर लेट पहुंचने के बाद न्यू प्राइसेस पर भी वही पर्टिकुलर शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है. इसका मतलब ये कि मार्केट ऑर्डर्स में ट्रेड को स्पीड में एग्जीक्यूट करने पर फोकस होता है. इससे आप ये भी इन्फर कर सकते हो कि मार्केट ऑर्डर में यू कैन नॉट फुली कंट्रोल हाउ मच यू विल पे फॉर अ सर्टेन सिक्योरिटी. इसलिए इफ यू आर प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर, नेवर प्लेस इट एट द एंड ऑफ द डे. डू यू नो व्हाई? क्योंकि द नेक्स्ट डे व्हेन मार्केट रीओपन्स, शेयर की ओपनिंग प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन से वेरी कर सकती है. मे बी क्लोजर टू ₹100, लेकिन रीओपन होने पर prices climb कर चुके थे. And similarly, there is another situation to prevent placing a market order, and that is in fast-moving markets. Fast-moving markets में heavy trading होती है, और prices में fluctuation भी ज़्यादा होता है. ऐसे markets में quoted price और actual transaction में major price differences हो सकते हैं. तो because real-time price quotes live market conditions से lag करते हैं, then you should prevent market orders. Last thing to know. If your trade size is very big, then you should consider a limit order. क्योंकि there are chances that जब तक आपका पूरा trade होगा, price बहुत move कर चुकी होगी. Now let's look at limit orders. Remember that story जहां आप stock market गए थे to buy those 100 shares. Suppose कि आप exchange पर wait करने का फैसला लेते. आपने decide किया कि जब तक prices आपके desired level तक return नहीं करती, तब तक आप wait करोगे. But what if you have to wait forever? And the prices continue to go up. Don't worry, trading and investing is much easier now, and limit orders are used by people in such a scenario. अगर आपको कोई shares किसी exact price पर खरीदना है, तो आप limit orders place कर सकते हो. ये trades तभी execute होते हैं जब required security के prices उस exact level पर वापस आते हैं. Well, not exactly. Let's see why, and then we will compare limit orders with market orders. लिमिट ऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स और सेल लिमिट ऑर्डर्स. डिफरेंस तो आप वर्डिंग से ही समझ गए होंगे, लेकिन चेक दिस आउट. बाय लिमिट ऑर्डर्स तब ट्रिगर होते हैं जब डिजायर्ड सिक्योरिटी की प्राइस आपकी लिमिट को मैच करती है या उससे नीचे हिट करती है. ऑन द अदर हैंड, सेल लिमिट ऑर्डर तब ट्रिगर होता है जब आपकी सिक्योरिटी की प्राइस आपकी सेट लिमिट को मैच करती है या उससे ऊपर जाती है. लिमिट ऑर्डर्स में द पार्ट टू पे अटेंशन टू is that आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना होने की भी पॉसिबिलिटी होती है. इससे आप मार्केट और लिमिट ऑर्डर के बीच जो मेजर डिफरेंस है उसको इस तरह देख सकते हो. मार्केट ऑर्डर्स में प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने की सर्टेनिटी होती है. प्राइसेस में चाहे जो भी चेंजेस हो, योर ऑर्डर विल गो थ्रू. ऑन द अदर हैंड, लिमिट ऑर्डर में प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने की कोई सर्टेनिटी नहीं होती. सिंपल, राइट? तो सभी लोग लिमिट ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं करते? फॉर टू reasons essentially. वन, इफ यू want टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी विद certainty, लिमिट ऑर्डर विल नॉट वर्क फॉर यू एंड यू माइट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. एंड सेकेंड, लिमिट ऑर्डर्स में एक्स्ट्रा ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ सकती है. ये इसलिए क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन मार्केट ऑर्डर्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ यूजुअल सिचुएशन विच इज नॉट सब्जेक्ट टू बिग प्राइस फ्लक्चुएशंस, देन यूजिंग मार्केट ऑर्डर्स इज वाइजर. Before we end, consider this special scenario.
What if you place a limit order after the markets have closed for the day? Simple, आपकी ट्रेड ऑर्डर एक existing queue of orders में प्लेस होती है and it is processed in that sequence when the markets reopen. Hopefully this helps you understand which type of order to place in which scenario, so that you can begin investing on a solid foundation. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button for our upcoming content. And if you know friends who are new to investing, don't forget to share this video with all of them. And lastly, what would you like to know more about in this wide and conceptually rich world of trading? Let us know in the comments below. Tab tak ke liye, goodbye and happy investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.